हेलो एवरीवन, स्वागतम 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 आप सभी का। आज के दिन भाई तैयार हो रहे हैं क्योंकि आज है 2nd of September। मैं यंगस्टर ने सुन रहा था आज पता नहीं क्या ऐसी वाइब थी, पूरा टाइम यंगस्टर ने सुनता रहा मैं, बट चल आज है 2nd और इसका मतलब आज नॉकआउट मैचेस हैं। तुम में से किसको नहीं पता, मैं पहले बताया था वापस से कि मैं खो खो कर रहा हूँ सोनी 10 पे और सोनी 10 3 पे, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में कर रहा हूँ। और 2nd, 3rd and 4th आर लाइक Eliminators and then obviously क्वार्टर फाइनल्स का पूरा वो चल रहा है दौर, और 3 और 4 को फाइनल होगा बेसिकली। सो आज 4 टीमें लड़ेंगी, एक दूसरे से भिड़ेंगी और उसके अंदर से कोई टीम आगे जाएगी, किसी टीम का यहीं पे सफर खत्म होगा। सो अभी के लिए हम लोग हो रहे हैं तैयार आराम से। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ब्लॉक करना भूल गया, बट सर अभी के लिए हम लोग हो रहे हैं तैयार आराम से। जैसे तैयार होते हैं सीधा नीचे निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, उसके बाद सीधा वेन्यू पर जाएंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। अगर तुम लोग थे पुणे में और तुम लोग आए थे सो थैंक यू वेरी मच फॉर जस्ट नो सीइंग, अदरवाइज बहुत लोगों ने स्टोरी मेंशन वगैरह की है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द लव फॉर द सपोर्ट। की हाँ, मैंने थोड़ी टाइम के लिए अभी फील्ड बदला कि मैं ई स्पोर्ट्स से स्पोर्ट्स में आया और तुम लोगों को फिर भी अच्छा लगा, सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। सो तैयार होते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। और पहले बहुत सारी चीज़ें जो कि मेरे को तुम लोगों से शेयर करनी है, उनमें से एक तो ये भी है। सुना हर दिन हमें ऐसे टीम शीट्स मिलती हैं अलग से कि कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, किस तरीके से बैचेस में आएंगे, उनके कोचेस का नाम, उनकी टीम का नाम, हर किसी का, और कौन से अंपायर्स हैं, बिकॉज हर दिन रेफरीज अंपायर्स हर कोई बदलता है। सो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है हमें ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे रखा हुआ है। There's a smoke-free room and obviously I don't smoke, I don't drink, तो मेरे को क्या ही दिक्कत है। So यहाँ पे एक मैंने बीच में by the way एक नई घड़ी ली थी, and this is that new watch, if you guys want to watch it, is guess का watch है ये। ऐसे मेरे पास एक और है येलो में, तुम लोगों ने देखी होगी कि और भी पेपर्स पड़े हुए पूरा ऐसे उनकी टीम्स के एंड, तो ऐसी एक और वॉच है बट यहाँ पे सीखो, बट मैं पहनूंगा आज के दिन वर्साकी, तो अपन लोग वर्साकी पहनेंगे। मुझे पता है वर्साचे होता है, वो मत बोलना, ये गॉबलिन ने वर्साकी बोला तुम लोगों को, अगर किसी को याद है उस वाले में। बाय द वे इसी चीज़ के थ्रू एंट्री होती है, कॉमेंटेटर कौन सी जगह पे जा सकते हैं, FOPs फील्ड ऑफ प्ले जिसमें मैं जा सकता होता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल दोज थिंग्स। तो ये है खो खो इंटरनेशनल का, ये पिछले कल एक्चुअली एक रात को आफ्टर पार्टी थी तो उसका ये कार्ड्स एंड ऑल सब चीज़ है। ये मेरा वॉच का एक डब्बा है जो कि मैं लेकर के चलता हूँ, और इसमें सारी वॉचेज अभी बाहर ही पड़ी हुई हैं, बट एक टाइटन की रखी हुई है, ये मैंने एक दिन पहनी थी, सो जब मैं जाने लगूंगा तो इसके अंदर ऑब्वियसली सब चीज़ें वापस से पैक करके ठूस के जाऊंगा। ये भी एक मैंने वॉच ली थी बाय द वे एयरपोर्ट पे, एंड दिस इज द वॉच दैट आई जस्ट गॉट फॉर माई सेल्फ, दिस इज अ टॉमी आई बिलीव, या दिस इज अ टॉमी हिल फिगर एंड आई बिलीव इट लुक्स प्रीटी गुड। एक्चुअली थोड़ा साफ करना है मुझे, बट या दिस लुक्स प्रीटी गुड, सो दिस इज वन ऑफ माई वर्साचेस। Oh, I love this. But अब तैयार होते हैं। See, what I believe in is कि मैं ऐसे भी जा सकता हूं, which is just the waistcoat and tie and all these things. या फिर मैं सोचता होता हूँ कि मैं दूसरे तरीके से भी जा सकता हूँ, विच इज मी वेयरिंग दी एंटायर ब्लेजर। मुझे नहीं पता बट तुम लोग बताना, अभी तो मैं ऑब्वियसली ब्लेजर पहनूंगा, बट तुम लोग बताना तुम लोगों को क्या लगता है, बिकॉज मेरे को तो ब्लेजर की लुक सबसे बेस्ट लगती है, ब्लेजर के ऊपर कोई लुक नहीं है, ऑब्वियसली ब्लेजर तो पहनना ही है। दिस इज द फाइनल फाइनल लुक फॉर द फाइनल्स, आई थॉट कि ऑब्वियसली सूट्स एंड ऑल ही होने चाहिए, उसके अलावा कुछ और। सो ये बन जाता है एक ओवरऑल प्रॉपर सा लुक, एट द एंड दिस इज व्हाट आई वुड वांट टू जस्ट यू नो गो फॉर लाइक, बट दिस इज द फाइनल लुक। देखिएगा बताऊंगा कैसे कैसे नहीं जब बाद में, बट या तब तक तैयारी करते हैं गेम्स की और क्या। प्लस एक्चुअली एक बढ़िया सी चीज़ है वो है कि मैं इस कैमरा को ऐसे रख के एक चेस्ट माउंट की तरह यूज़ कर सकता हूँ अपने वेस्ट कोट में, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग फॉर नाउ। अभी के लिए चलते हैं आगे, मुझे लगता है तुम लोगों के लिए व्यूज़ ऐसे ऐसा व्यू सा होगा कुछ, तो ट्राई कर रहा हूँ बंद करने के, यस हो गया, सो चलो आगे। By the way guys, आगे एक बस जा रही है, वो उधर तुम लोगों को दिख रही है वो आगे वाली बस। सो टीम्स भी ऐसे करके आती हैं और टीम्स के लिए बस होती है प्रॉपर, एंड यू सी ऐसे पूरी टीम का वो नाम वाम और हर एक चीज़ उनका उस पर बना हुआ है, प्लेयर्स की शक्लें बनी हुई हैं। इस टाइप से टीम्स ट्रैवल करती हैं एंड टीम्स जा रही है। ये है तेलुगु योद्धास, लेट्स खो योद्धास, यस ये थी तेलुगु योद्धास, ये अभी जा रही है, और भी टीम्स हैं, कुछ जा चुके हैं कुछ जा रही हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और हम भी इनके पीछे पीछे चल दिए हैं उसी जगह पे जहाँ पर इनकी मंजिल है वही हमारी मंजिल है, तो चल पड़े हैं और क्या। सो ये थी वो बस जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखो ये सारे प्लेयर्स तेलुगु योद्धास के अंदर आराम से बैठ के चिल कर रहे हैं अभी, तो उनके सोशल्स और हर एक चीज़। हम लोग एंटर कर रहे हैं वो स्टेडियम में
श्री शिव छत्रपति महालुंगे बालेवाड़ी में, और वो स्टेडियम एक्चुअली ऐसे आगे तक तो देखोगे तो बहुत वो है, बट सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड जो लगे हुए सुस्वागतम के, दिखाता हूँ अभी जस्ट ये गाड़ी आ जाता है अपन लोग आगे जाएंगे, थोड़ा टाइमिंग का प्लस माइनस हो गया बट दिखाता हूँ तुम लोगों को कि है कैसा प्रॉपर ओवरऑल। सो ये देखो इधर की साइड ये है, इधर की साइड ये है प्रॉपर टीम्स के लोगोज एंड ऑल, हर एक चीज़ लगा हुआ है, और फिर अंदर जाके तो आगे दिस प्लेस इज समथिंग दैट आई फाइंड लाइक यू नो वेरी वेरी प्लीजिंग, बिकॉज ऐसे फुल ऑन ग्रीनरी है, एंट्री में फुल ऑन ग्रीनरी है, एंड ऑब्वियसली अलग अलग स्टेडियम्स है, अलग अलग चीज़ें, तो हर जगह अलग ग्रीनरी और बड़ा सूदिंग सा माहौल। अब हो गई पूरी परीक्षा इस चेस्ट माउंट की जो कि मैंने बनाया, अब देखते हैं कैसा काम करता है, बिकॉज हम लोग पहुँच गए और जा करके देखते हैं कि किस तरीके से चेस्ट माउंट प्रॉपरली व्यू दे रहा है या नहीं, मुझे नहीं पता। ये व्लॉग अब मान लो कि एक एक्सपेरिमेंट बन चुका है। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है शायद सही होगा, शायद नहीं होगा, देखते हैं जाके। हम पहुंच चुके हैं और ये होती है हम लोगों की एंट्री, अलग होती है ऑडियंस एंट्री, थोड़ा उधर साइड से होती है, उधर से एक अलग एंट्री है, इधर से हम लोगों की एंट्री है। सो आई विल ट्राई टू जस्ट यू नो गेट इन एज सून एज आई कैन। बंद कैसे होता है ये? सो एंट्री हो चुकी है, दिस इज द एंटायर ब्रॉडकास्ट थिंग जो कि होता है, एज यू गाइस कैन सी हियर एवरीथिंग दैट यू गाइस सी ऑन टीवी एंड एवरीथिंग, वो सब इधर से आता है। आई डोंट नो इस पे कितना आएगा बट या, सो इधर से आता है, वहाँ पर डायरेक्टर्स एंड ऑल, उधर डायरेक्टर्स का सेट एंड एवरी पर्सन, एंड क्योंकि मैं इंग्लिश में रहता हूँ मोस्टली, इस आदमी की आवाज़ जो है वो मेरे कानों में आती है, इज अहान, एंड दिस इज द मेन डायरेक्टर ध्रुव, एंड यू सी दिस इज द एंटायर थिंग। ओ द ट्रॉफी इज हियर, ये होता है हम कमेंटेटर्स का एरिया, जैसे तुम लोग यहाँ पे पढ़ सकते, जो कोई भी कमेंटेटर्स हैं हर कोई है वो सब अंदर होते हैं प्रॉपर हम लोगों के लिए, मतलब पूरा बैठने का एरिया, एंड आज हो रहा है ट्रॉफी के साथ का फोटोशूट। और ये वो इंसान है जो मुझे एक्चुअली स्नीकर्स के साथ कंपटीशन दे सकते हैं, बढ़िया वाली। यहाँ पे फुल ऑन साउंड सिस्टम एंड एवरीथिंग। हेलो हेलो, मतलब ई स्पोर्ट्स का वो जोक होता था कि ट्रॉफी सबसे पहले ओशन आएगा, यहाँ पे तो नहीं हो सकता, बाद में जा करके देखेंगे अगर कभी ट्रॉफीज एंड ऑल आती हैं, बट अभी के लिए तो नहीं, बट अभी अंदर जा करके देखते हैं जो शूट है वो हो कैसे रहा। यहाँ पे आते हैं हम, ये है वेन्यू। अभी लाइट का मैं तो थोड़ा सा ना वो भी अजीब सा आएगा तुम लोगों को पर्सपेक्टिव भी। यू कैन सी द ट्रॉफी एंड पीपल एंड जस्ट ट्राइंग टू शूट विद ईच अदर। हेलो सर, हाय हाय, हाउ आर यू? बढ़िया। सो दिस इज टेंजिंग सर, द सीईओ ऑफ अल्टीमेट खो खो। हेलो सर, कैसे हो? फाइन, हाउ आर यू? बढ़िया। 2-1 एक्शन। ये सब कर रहा है ना? हां, है कि नहीं? 2-1 action. Yeah, you like that policy? मैं तो natural हूँ। 3-2-1 action. So ये होता है चलने वाला है थोड़ी देर with the trophy and the players. यहाँ पे players कब आएगा? But yes, this is the entire mat जिस पे मैच होता है एक दिन का। सो वट एवर यू गैस सी ऑन टी वी वो सब यहीं पे हो रहा होता है इसी जगह पे एज इट इज़। सो ये पूरी मैट रहती है, जब लाइट जलेगी तो अलग टाइप से दिखेगा तुम्हें, अभी तो थोड़ा लो लाइट है, बट ट्रस्ट मी व्हेन द लाइट जस्ट यू नो इज देयर एंड एवरीथिंग यू गैस सी अ डिफरेंट वाइब, अ होल डिफरेंट वाइब, अनमैच्ड। अभी पूरा ब्लैक्ड आउट है बट स्टिल यू नो इट जस्ट लुक्स प्रीटी डिसेंट, प्रीटी नाइस, बट जब लाइट जलती है एंड ऑडियंस होती है तो ऑब्वियसली एक अलग ही वाइब है, अलग ही मजा है। अभी देखो पूरा ब्लैक आउट है बट इट्स जस्ट ऑन ट्रॉफी जिस पे फुल फोकस है विद द थिंग, एंड ऑब्वियसली ट्रॉफी इज समथिंग जिस पे फोकस होना चाहिए, सो ट्रॉफी पर ही अभी। एंड यू नो वेल फाइनली तुम लोगों को वापस से दिखाता हूं, दिस इज द प्लेस जहां पे हम लोग होते हैं। ये है मेरी जगह, यहां पर आएंगे मेरे को कमेंटेटर, यहां पर आते हैं हमारे प्रोड्यूसर, और फुल ऑन ऐसी चीज़ें रहती हैं। यही है जो पहले भी मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया कि यहां से सब चीज़ें दिखती हैं। ट्रॉफी हट गई, अच्छा ट्रॉफी इधर आ गई साइड में, अच्छा ट्रॉफी इधर आ गई है साइड में, बट सो दिस इज वेयर इट इज, यू सी एंड यू अंडरस्टैंड राइट। जब लाइट्स ऑन है तो एक अलग वाइब है, लाइट्स ऑफ पे अलग वाइब है, गाने चलते रहेंगे, सारे नहीं चला सकते, कॉपीराइट आ जाएगा मतलब मेरे ब्लॉग पे। थिंक अबाउट इट, दिस इज जस्ट वन हाफ ऑफ एवरीथिंग जितना चीज़ होता है, एक ये फर्स्ट हाफ है साउंड मेन डायरेक्शन सब चीज़ मिला करके, एंड देन दिस इज द सेकेंड हाफ ऑफ एवरीथिंग, सो जितना उधर उतना ही इधर। द बेस्ट पार्ट इज मैंने कभी भी इस जगह को फिर भी केओस बनते नहीं देखा, एवरीथिंग इज सो रेगुलेटेड एंड सो वेल डन विद जस्ट यू नो कम्स अप की बहुत बढ़िया है, एंड दिस इज अ वंस इन अ वंस ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस इफ एनीथिंग, मेरे को बढ़िया लगता है। सो ये होता है हम लोगों का एरिया, देखो गाइस
यहाँ पे मैच चल रहा होता है, ये है हिंदी की कमेंट्री सुनने के लिए, ये है इंग्लिश की कमेंट्री सुनने के लिए, चलती है कि एक टाइम पे ऑब्वियसली जो चलानी है वो चलेगी प्रॉपर, यहाँ पे आकर के डिस्कशंस होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं। दिस इज मिस्टर फरदीन, व्हाट्स अप टू ऑल द ओशन फैंस वाचिंग इन द वर्ल्ड, टेक केयर। मेरी तरफ से जो पपी दी है ये है अनंत जी, ओशन फैंस बैकिंग द बॉय स्टार। ये ऐसे ही बोलते, तुम्हें पता है कोई वो नहीं है, बट ठीक है वर्षिल, ऐसे ही देखो यहाँ पे होमवर्क सब चलता है प्रॉपर एकदम, एवरीथिंग गोइंग ऑन। हम लोगों का तुम्हें पता है कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, आके जो देखा वही बोल देंगे, सोल बढ़िया खेल रही, कॉर्डल बढ़िया खेल रही है, ये टीम बढ़िया खेल रही, वो टीम बढ़िया, बस खत्म है और क्या। बट यहाँ पे होता है प्रॉपर होमवर्क, हम नहीं करेंगे तो दुख वेदना ये सब होने वाले, दुख दर्द अफसोस वेदना व्यथा शोक संताप मातम पीड़ा विपदा खेत तकलीफ कसक अवसाद आफत कुड़त किन्नत गम ग्लानि तहमत तीस्ता अस्त्राव सब कुछ लिख लेता हूँ ताकि मैं भी ऐसी जो होते हैं वो है मनीष बटालवी सर, खो कॉमेंटेटर, ये है मनीष सर, हेलो, ये भी थोड़े दिनों में ऐसे पीसी वीसी लेके एकदम मस्त वाली चीजें करने वाले हैं। हाँ भाई मैं गेमिंग में घुस रहा हूँ, आ जाओ तुम लोग, सोच लो फिर। थोड़ा संभाल लेना है, मुझे कुछ आता नहीं है। अब बेसिकली टीम एंट्रीज हो रही है, जो टीम्स की प्लेयर्स की सबकी रहती है वो एंट्रीज हो रही है। This definitely shows that Telugu Yodhas is actually a crowd favorite right now. बाद में देखते हैं मैच का आउटकम है, हर चीज का क्या होता है। And so now we begin up with the toss. इस perspective में इतना proper तो नहीं आएगा, but still like उधर की side toss हो रही है मान के। Ocean's coming later, but that gives you no excuse to not watch this game. Please tune in now. Notes dekh rahe ho? The amount of notes. Ek ye bhi angle hai dekhne ka har cheez. पहला गेम ऑलमोस्ट होने ही वाला है, ऐसे अगर बात करी जाए तेलुगु योद्धास 59-36 चेन्नई और 3 मिनट में इनको पॉइंट्स बनाने जो कि थोड़ा मुश्किल है, सो तेलुगु योद्धास ये गेम जीत सकती है, बट इसके बाद अपन लोगों का गेम अगला, सो जाएंगे। आर यू एक्साइटेड फॉर द सेकंड गेम? वेरी एक्साइटेड, ओह माय गॉड, दैट इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, बट यस अगला गेम अपन लोगों का, सो अपन लोग जाएंगे वहां पे एंड सीधा कमेंट्री स्टार्ट करेंगे, सो थोड़ी देर में विल सी यू गाइस आउट देयर। अभी कोचेस से कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो अगले गेम के कोचेस होने वाले हैं अभी उनसे कॉन्वर्सेशन हो रही है, एंड उसके बाद हम फेस करते हैं। कैन डू नो रॉन्ग ऑन दिस स्पॉट, ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव यंग प्लेयर्स, ही हैज टू गो, ओह विल ही, यस ही विल, अविनाश गेट्स दिस मैन, दैट वाज अ वेरी क्विक एग्जीक्यूशन, आई बिलीव ही विल जस्ट यू नो लुक एट दैट एज वेल इन अ व्हाइल, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू गेट एनिकेट पोटे, लुक एट दिस क्विक एग्जीक्यूशन, अ फेक गो एंड देन वंस अगेन अ रियल गो गिवन, एंड इट वाज जस्ट अ राइज एंड एट द राइट टाइम फॉर द राइट पॉइंट्स, बट नाउ अगेन एनिकेट पोटे, ही इज द मेन मैन, ही इज द मैन ऑन टारगेट अलोंगसाइड सुरेश गरगटे एज वेल, विल हैव टू सी इफ दे कैन गेट नंबर 1 और नंबर 8 फॉर देमसेल्व्स टू गेट 2 और 3 पॉइंट्स। यस एंड वेल आज का दिन गाइज खत्म हो चुका है, अब देखना ये है कि कल और परसों के दिन में होता क्या, बट अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना, 200 के सब्सक्राइबर्स का हम लोगों का गोल है, वहाँ तक जाना है, एंड 30,000 लाइक्स अपन लोग गोल रखेंगे, सो वो चीज़ अपने को करना है, सो
मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो से, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंडोर, स्टे ऑसम एंड पीस आउट गाइस, हैव अ रियली अमेजिंग डे, टेक केयर, बाय बाय. Bye-bye.